capital of India and one of the most populated and advanced city is never quiet. But still, there are some places which provides peace and serenity, which people rarely sometimes desire for. कभी कभार तो सबका मन करता है इस तेज रफ्तार वाली दुनिया की भीड़ से अलग होकर कुछ पल सुकून के जीने का, पर उसके लिए वादियों की ट्रिप प्लान करने का ना ही तो किसी के पास टाइम है और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वेल हेलो एंड वेलकम टू आर नर्डी चैनल, एंड आज हम एक ऐसी जगह को रिव्यू करेंगे जो आप सभी जानते होंगे और बहुत लोग यहाँ पे आए भी हैं, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो इस जगह का नाम है अग्रसेन की बाउली, और ये जगह सेंट्रल दिल्ली की सबसे रिजर्व और पुरानी जगहों में से एक है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर प्रोटेक्टेड है। यू कैन विजिट हेयर फ्री ऑफ कॉस्ट 9 to 6 एनी डे ऑफ द वीक, एंड द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज बाराखंबा रोड। एंड ऑफ कोर्स साउथ दिल्ली वालों, तुम जाके ओला उबर करो। वेल एनी हाउ, इस जगह की हिस्ट्री देखी जाए तो वो है 14th century की, जब द लेजेंडरी महाराजा अग्रसेन ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था ड्यूरिंग द महाभारत एरा। Interestingly, we find that the name of this Baoli stands quite undisputable. Delhi ki har typical Baoli ki tarah, yahan par bhi 103 se leke 108 steep steps hain with carved chambers and passages. Aur mana jata hai ki ye Baoli Tughlaq dynasty ki time ki bani hui hai. Ek second. Is jagah ko Qutub Minar ya Jantar Mantar ki tarah historic samajh ke yahan sightseeing karne mat aa jana. Well, ye jagah haunted hai. Aisa hum nahi, aisa log kehte hain. पर मेन तो अब स्टोरी है, चलो वो जानते हैं। इस जगह की हॉन्टेड कहानी इसके बाउली अगर स्टीपवेल के अराउंड रिवॉल्व करती है। एट प्रेजेंट तो यहाँ का पानी सूख चुका है, पर अभी भी जब लोग इस बाउली के डीप पर जाते हैं तो उनको अपने आसपास की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और सिर्फ उनके फुटस्टेप और उनकी आवाज़ों की एको सुनाई देती है। और अंदर जाने के बाद वहाँ वैक्यूम साइलेंस होता है, जिसके कारण पूरा सराउंडिंग एक मिस्टीरियस सा एनवायरनमेंट बना देता है, जिसे वो मिस्टीरियस और घोस्टली लगता है। बैट्स और पिजन, इन दोनों की आवाज़ें वहाँ पे आपको अक्सर सुनने को मिल जाएंगी, जो इस जगह को मिस्टीरियस और इस जगह को हॉन्टेड प्लेस बनाने में अपना योगदान देते हैं। बिफोर द प्लेस लॉस्ट इट्स शाइन, ये बावली काले पानी से भरी थी, जिसके अंदर से स्ट्रेंज वॉइसेस आती थी और लोगों को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने को बोला जाता था। एंड ये ब्लैक वाटर लोगों को मेजमराइज और हिप्नोटाइज करके उस पानी में कूदने के लिए कहता था, इसलिए यहाँ पर आज भी रात को विजिटर्स अलाउड नहीं है। वेरी स्ट्रेंज, पर अब ये जगह टूरिस्ट स्पॉट से ज़्यादा फोटोग्राफी स्पॉट और लवर स्पॉट ज़्यादा बन चुका है। वेल अब यहाँ के लवर्स ऐसे हैं कि जिएंगे भी साथ में और इस काले पानी में कूदेंगे भी साथ में। और अगर आप लोगों के पास इस जगह की कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोग अभी तक इस जगह पर नहीं आए हैं तो जाओ ना यार, घूमो थोड़ा, कब तक घर में पड़े पड़े जिंदा लाश बनना है क्या।